दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ये मुकाबला कैसे हराया क्या आपको पता है? क्या खिलाड़ियों की गलती रही या खिलाड़ियों की बैटिंग में गलती रही या हमारे इंडिया टीम के बॉलरों में गलती रही या फील्डिंग में गलती रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि 10 मुकाबले लगातार भारतीय टीम शुरू से लेकर लास्ट तक जीतते हुए आई, लेकिन 11वें मुकाबले में आखिर ऐसा क्या हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी तगड़ी से बुरी से हार हुई? मैं आपको बता दूं कि यहां पर किसकी क्या गलती रही, किसने क्या लोचा किया, क्या अंपायर की गलती रही, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बाद अब बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कई बड़े बड़े दिग्गज इस मैच को दोबारा रिपीट करके देखा तो इस मैच में कुछ अलग दिखाई दिया। जी, मैं आपको बता दूं कि इस मैच में काफी ज्यादा खतरनाक लोचा हुआ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको बताऊंगा कि किन 3 से 4 कारणों की वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा। हालांकि लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक 10 मुकाबले जीते हुए आई, लेकिन फाइनल में ऐसा क्या हुआ जो इंडिया को इतनी बुरी हार मिली और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को जीत गई? जी, मैं आपको बताऊंगा लाइव इस वीडियो में, आपको दिखाऊंगा कि यहां पर किसने क्या जो है बेईमानी की, पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा। तो आप क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर हम बात करें शुरू में तो शुभम गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा की अगर बात करें इंडिया टीम के कप्तान, तो 47 रन बनाकर आउट हो गए। इंडिया टीम की शुरुआत हालांकि काफी अच्छी हुई। जी हां, रोहित शर्मा यानी कि इंडिया टीम के कप्तान, जब रोहित शर्मा खेलने के लिए आए तो उन्होंने 47 रन जड़ दिए, 3 छक्के, लगभग 2-3 चौके उन्होंने जड़े, लेकिन एक जब छक्का जड़ने चले लास्ट वाला तो वहां पर कैच आउट हो गए। जी हां, मैं आपको बता दूं तो कैच आउट होने के बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा उदास और चलते बने, लेकिन सारा कंधों का बोझ इंडिया टीम के जो है रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली पर आ गया। विराट कोहली काफी बेहतर शतक लगाने वाले विराट कोहली, जो लगभग अभी तक 10 मुकाबले जिन्होंने खेले, 10 मुकाबले में अच्छी खासी पारी खेली, लेकिन उसके बाद इस मैच में आखिरकार क्या हुआ जो उन्होंने बहुत ही कम यानी कि 66 रन बनाकर आउट हो गए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली और सिर्फ 66 रन बनाए। अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने 28 बोले खोली, सिर्फ 18 रन बनाए। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया टीम में भी थोड़ी बहुत कमी रही। जी हाँ, बैटिंग काफी अच्छी बेहतर नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो एम्पायर की भी थोड़ी बहुत गलती रही। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह और एम्पायर की थोड़ी बहुत बहस आपस में हो गई थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह उनको ऑल आउट बता रहे थे लेकिन अंपायर उनको आउट नहीं बता रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये बात उस वक्त की है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी और बॉलिंग करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए थे। जसप्रीत बुमराह ने जैसे गेंद डाली तो वहां पर जसप्रीत बुमराह आउट बता रहे थे, लेकिन जो अंपायर है उनको नॉट आउट बता रहे थे। इस मैच में काफी ज्यादा लोचा भी बताया जा रहा है। कई बड़े बड़े दिग्गज जो रिटायर्ड दिग्गज है, जैसे कि सचिन, कपिल और कई बड़े बड़े महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि ये मैच है जो वो बेईमानी से जीता गया है। फिलहाल ये बात मुझे तो क्लियर नहीं पता है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि इस मैच में आखिरकार कैसे क्या हुआ है, आपको पूरी जानकारी पता होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक कांटे का मुकाबला हुआ। हालांकि इंडिया का स्कोर 240 रहा और ऑस्ट्रेलिया के सामने स्कोर बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफी आसानी से स्कोर बनाकर जो है 242 खड़ा कर दिया। इंडिया टीम की काफी ज्यादा बुरी हार हुई और मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है इस बात को लेकर के, पूरा देश का अफसोस है, क्योंकि इंडिया टीम इस बार जीतने ही वाली थी लेकिन फाइनल मुकाबले में हार गई। रोहित शर्मा फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया। फिलहाल आप लोग इंडिया टीम के लिए क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहाँ पर किसकी क्या गलती रही। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।